अभी हम लोग हैं हम्पी में। सो दिस रूम वी हैव बुक फ्रॉम अगोडा ऐप। द प्रॉपर्टी नेम इज द पद्मा हम्पी विला। दिस अकोमोडेशन बस स्टॉप के एकदम पास में ही है एंड विरूपक्ष टेम्पल के सामने ही है। यू जस्ट हैव टू वॉक 200 meters। This is the Sri Virupaksha temple. There is no entry charges here, but if you want to visit the temple from inside, you will have to take ticket from 20 to 30 rupees. Hampi is the UNESCO World Heritage Site, owing the ancient temple front of the other monuments here. Hampi is the city in the Vijayanagar district in the Indian state of Karnataka. Actually, Hampi mein hum 2 days mein lagbhag best places विजिट कर लेंगे। दूर दूर तक फैली वादियों, बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज़्यादा मंदिरों और महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी, तभी से ये मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध है। ये जो सामने देख रहे हो वो हेमाकुट्टा हिल टेम्पल है, विच इज द ऑन द साइड ऑफ विरूपक्षा टेम्पल। ये है तिरुकुट्टा टेम्पल और ये एक सनसेट पॉइंट भी है, आप यहाँ से सनसेट होते हुए देख सकते हो। You can enjoy the sunset here over Tirukutta temple. यहाँ के नज़ारे मन मोह देने वाले हैं, आप यहाँ पे सनसेट होते हुए देख सकते हो। This is the Tungabhadra river, which is the very close to Virupaksha temple. This is the Hampi market और ये Virupaksha temple के नज़दीकी है। और मैं थोड़ा आगे गई तो मुझे यहाँ पे एक एंटिक बैग्स की शॉप्स दिखी, जहाँ पे हैंडमेड बैग्स थे और ज्वेलरी भी थी, जो थी स्टोन की ज्वेलरी थी। मुझे बहुत ही यूनिक कलेक्शन लगा यहाँ का। और यहाँ पे एंटिक चीज़ें भी मिलती है, अगर आपको घर में शो पीस वगैरह लेना है आपके घर के लिए तो यहाँ पे बहुत ही ऑप्शंस मिलेंगे। ये जो शॉप है, यहाँ से मैंने पीतल के एंटिक गणपति जी खरीदे यहाँ से। दिस इज द बड़वलिंगा टेम्पल। बड़वलिंगा टेम्पल का एक अनोखा तथ्य है कि इस संरचना के आसपास एक प्राचीन नहर का पानी नित्य बहता है। जो आपको पानी दिखता है ना, वो पानी वहाँ पे रहता ही है। स्टैच्यू ऑफ उग्र नरसिम्हा और ये शायद हम्पी की सबसे बड़ी मूर्ति है। ये एंट्रेंस है एलिफेंट स्टेबल, लोटस महल एंड वॉच टावर का। Thank you.
दिस इज द वॉच टावर एंड दिस इज द लोटस महल. This is the entrance of elephant stable and you can see the elephant stable. ये हम्पी की सबसे सुंदर जगहों में से एक है elephant stable. यहाँ का नज़ारा और सब कुछ इतना अच्छा था. अगर आपको फोटो खींचना है तो यहाँ पे बहुत अच्छी फोटोज आती है. एलिफेंट स्टेबल के जस्ट बाजू में ही आपको ये प्राचीन काल की मूर्तियों का कलेक्शन देखने को मिलेगा. So now we are going to Sri Vijay Vithala temple. By the way, it will be 2.5 kilometers from Hampi, but by vehicle is around 10 kilometers. You will have to walk 2.5 kilometers from parking to Vijay Vithala temple, or you can also go in the electric one. This is the entrance of Vijay Vithala temple. Here you will have to pay 40 rupees per person entry charge, and if you scan that pay code and buy online then it will be 35 rupees per person. 50 rupees ki note mein jo design hai ye wahi hai and it's called stone chariot. 50 rupees ki note pe bhi likha hua hai Hampi. Aap kabhi dekhna agar nahi dekha hua to. ये मंदिर बिल्कुल रथ की तरह दिखता है और ये मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है. वो पक्षियों के राजा माने जाते थे. कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर एक गरुड़ की मूर्ति थी जिनका रूप पक्षी जैसा ही था. ये भी कहा जाता है कि ये ग्रेनाइट के जो पहिए हैं वो कभी घुमा भी करते थे. इस इलाके में 500 से भी ज़्यादा मंदिर मौजूद है. उन सब में से विट्ठल मंदिर की बनावट सबसे सुंदर मानी जाती है. ये द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है जिसमें बड़े बड़े पत्थरों पर बारीक नक्काशियाँ की गई हुई है. विट्ठला मंदिर में लगभग हर जगह भगवान और पौराणिक लोगों से जुड़ी बातें और उनकी मूर्तियाँ पत्थरों पर उकेरी गई हुई है. After
Vijay Vithala temple, we are going to Anjanadri. In Karnataka, you can see this big stone, and here you have also seen industries of materials made from stone. Anjanadri is the birthplace of Hanumanji. Anjanadri is around 22 km from Hampi by vehicle. Hanumanji's temple is on top of the mountain. For that you have to climb 575 steps. This is the birthplace of Hanumanji, and from here you can see the view. So guys, I have also uploaded the vlog of Adiyogi and Munnar. Please see that too, and please don't forget to subscribe my channel.